जो लोग शराब पीते हैं उनके मुंह से आपने एक से बढ़कर एक कई सारी मजेदार बातें सुनी होंगी और पीने के बाद एक सबसे फेमस चालक बोला जाता है, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। लेकिन पीने वाले लोगों के द्वारा कई बातें ऐसी बोली जाती हैं जिन पर विश्वास कर पाना काफी मुश्किल होता है और शायद यही वजह है कि शराब को लेकर कई सारे मिथ हैं। अक्सर आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि शराब जितनी पुरानी होती है वो उतनी ही अच्छी होती है। अगर ऐसा है तो क्या घर में शराब की बोतल स्टोर करने के बरसों के बाद उसकी कीमत बढ़ जाएगी? और क्या शराब की कोई एक्सपायरी डेट होती है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके बारे में लोग गलत सोचते हैं। पहले जानते हैं कि क्या वाकई में शराब की एक्सपायरी डेट होती है। तो आपको बता दूं कि डिपेंड करता है उस शराब के टाइप के ऊपर, यानी कि उस शराब की किस्म के ऊपर। मतलब कुछ शराब ऐसी होती है जो एक्सपायर हो जाती है और कुछ ऐसी होती है जो सालों साल एक्सपायर नहीं होती है। स्प्रिट कैटेगरी की शराब जैसे कि विस्की, वोडका, जिन, टकीला और रम, ये एक्सपायर नहीं होती है। लेकिन बियर और वाइन एक्सपायर होने वाली कैटेगरी में आती है। लेकिन बियर और वाइन एक्सपायर क्यों हो जाती हैं और रम, विस्की या वोडका वगैरह ये सालों साल क्यों चलती हैं? दरअसल वाइन और बियर में अल्कोहल की मात्रा कम होती है और पानी की मात्रा ज्यादा होती है और इसी वजह से इनकी एक्सपायरी डेट होती है। पर ये दोनों प्रोडक्ट डिस्टिल्ड भी नहीं होते हैं और इसी वजह से ये एक फिक्स टाइम के बाद खराब हो जाते हैं। जबकि विस्की, वोडका, जिन, टकीला और रम में अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है और इसलिए ये खराब नहीं होती है। वाइन में 15% अल्कोहल की मात्रा होती है और हमारी भारतीय आबोहवा में किसी भी शील्ड पैक वाइन बोतल की सेल्फ लाइफ करीब 5 साल होती है। साथ ही बियर में भी अल्कोहल की मात्रा काफी कम होती है और इसी के चलते बियर बहुत ही जल्द ऑक्सीडाइज होने लगती है और फिर बाद में खराब हो जाती है। अगर बात की जाए वाइन और बियर की तो इनकी सील ब्रेक हो जाने के बाद इन्हें जल्द से जल्द इस्तेमाल कर लेना चाहिए। पर एक वाइन की खुली बोतल 3 से 5 दिन के अंदर इस्तेमाल हो जानी चाहिए, जबकि बियर के लिए अच्छा यही है कि इसे खोलते ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि बियर की बोतल खोलने के बाद उसकी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और इसके बाद बियर पीने में एकदम फ्लैट लगती है। साथ ही इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता है और सिर्फ 2 दिन के बाद ही खुली बियर में से बदबू आने लगती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शराब की बोतल खोलने के बाद ये पूरी इस्तेमाल नहीं होती है और इसे ढक्कन लगाकर वापस रख दिया जाता है। तो ऐसे में एक सवाल ये भी आता है कि क्या एक बार बोतल खोलने के बाद विस्की या अन्य दूसरी शराब खराब हो जाती है? तो इसका आंसर है नहीं। एक बार बोतल खोलने के बाद विस्की, रम, जिन, वोडका ये सब बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि माना जाता है कि खुली हुई बोतल को ज्यादा दिनों तक नहीं रखना चाहिए। बोतल खुलने के बाद ये एक्सपायर तो नहीं होती है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे इसकी क्वालिटी पर फर्क पड़ने लगता है। और अगर विस्की, रम, जिन या वोडका की बोतल खोल दी जाए तो समय के साथ इनका फ्लेवर गायब होने लगता है और इसी वजह से इनकी बोतल खोलने के बाद ज्यादा से ज्यादा 1 साल में इस्तेमाल कर लेना चाहिए। लेकिन अब एक सवाल ये बनता है कि पुरानी शराब महंगी क्यों बिकती है? हो सकता है कि आपने कई बार विस्की की बोतल पर 10, 15 या फिर 20 साल लिखा देखा हो। इसका मतलब होता है कि ये विस्की उतनी ही पुरानी है। विस्की की बोतल पर जितने साल लिखे होते हैं उतने ही साल उस विस्की को लकड़ी के बैरल में रखकर मैच्योर किया जाता है। और पुरानी शराब या विस्की का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने घर में किसी बोतल को सालों साल रखें और फिर कहें कि वो विस्की उतनी पुरानी है। कोई भी विस्की पुरानी विस्की तब कही जाती है जब उसे सालों साल लकड़ी की बैरल में रखकर मैच्योर किया जाता है। और आपने सुना होगा कि पुरानी विस्की काफी महंगी मिलती है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि पुरानी विस्की की सप्लाई मार्केट में बहुत ही कम होती है और इसी वजह से इसे इतना महंगा बेचा जाता है। और अगर बात की जाए एज्ड विस्की और नॉन एज्ड विस्की में से अच्छी कौन है, तो ये लोगों की अपनी अपनी पसंद पर डिपेंड कर सकता है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पुरानी विस्की पसंद होती है, जबकि कुछ लोगों को नॉन एज्ड विस्की पसंद आती है। आपको बता दें कि इस वीडियो का मकसद शराब पीने को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है। शराब हमारी सेहत के लिए बेहद हानिकारक होती है। इस वीडियो के थ्रू बस आपके साथ कुछ जानकारी शेयर की गई है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।